हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टी फॉर टेक्नो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये ब्लूटूथ स्पीकर है मेरे पास, TG113 मॉडल जो देख सकते हैं आप, इसी की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। कुछ डिमांड आ रही थी कमेंट्स में कि है इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाई जाए और इसके फीचर्स दिखाए जाए, तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, तो आप जो है इजली डिसाइड कर पाएंगे कि हमें ये लेना चाहिए या नहीं। इससे पहले मैंने GT11 जो है GT111 उसकी अनबॉक्सिंग भी की थी, तो इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा कि इन दोनों में क्या क्या जो डिफरेंस है, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा स्पीकर जो है बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। तो ज़्यादा समय लेते हुए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये है मेरे हाथ में जो है TG113 स्पीकर, जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये तीन बॉक्सेस हैं मेरे पास और मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा इनमें से एक की। तो इससे पहले आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको 6 कलर में अवेलेबल हो जाएगा। इसमें ये वाला कलर है और इसमें ये वाला है, आप देख सकते हैं अलग अलग कलर्स में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसमें जो है वो ऑरेंज वाला कलर जो है पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देख सकते हैं TG113 मल्टी कलर और 5 वाट का आउटपुट है इसका, और ये 749 इसकी MRP दी गई है, और ये वन पीस इसमें जो है वो लिखा हुआ है। तो ये 749 जो लिखा है ये आपको मार्केट में इसे आधे दाम में भी मिल जाएगा, हो सकता है कहीं कहीं इससे कम भी आपको इजीली जो है वो मिल जाए, तो इतनी कीमत नहीं है इसकी। तो ज़्यादा समय लेते हुए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। उससे पहले मैं कुछ स्पेसिफिकेशंस की बता देता हूँ, ये क्या क्या है ये इसे आप कर सकते हैं। ये जो है ये आईपैड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, फ़ोन के साथ, आईपॉड, पीसी, किसी भी जो डिवाइस है उसे वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर वायरलेसली नहीं है तो ये जो ऑक्स केबल है उसे भी कनेक्ट हो सकता है। और इसके कुछ जो हैं वो यहाँ पे दिए गए पॉइंट्स, जैसे वायरलेस है, 3 to 4 आवर प्ले टाइम है, प्ले USB स्टोरेज डिवाइस, मतलब कि आप इसमें USB पेन ड्राइव कुछ भी डाल के चला सकते हैं, विद माइक एंड हैंड फ्री फ़ोन कॉल फंक्शन, मतलब अगर कहीं पे आप प्ले कर रहे हैं फ़ोन से तो कॉल आती है तो कॉल पे भी आप इजली बात कर सकते हैं, और ये स्प्लैश प्रूफ भी है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, बाकी को मैं जो है वो साइड पर रख देता हूँ जो दो बॉक्सिस हैं। तो ऐसे इसको यहाँ से जो है वो खोल लेता हूँ मैं और देखते हैं इसमें जो है क्या क्या है वो दिया गया है। इसकी पैकिंग को रख देते हैं साइड में। देखिए दोस्तों, ऐसे बॉक्स में ये आपको मिलने वाला है, तो मैं इससे यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ये केबल मिल जाती है, जो कि अच्छी है, लेकिन लेंथ इसकी बहुत छोटी है। आप जो है अपने फ़ोन की केबल से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसको साइड पर रख देते हैं। नेक्स्ट जो है ये जो स्पीकर है वो आपको पॉलीथीन की पैकिंग में मिलने वाला है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ स्पीकर है। ये पूरा जो है वो सर्कल शेप में है। जो पहला था हमने अनबॉक्स किया था GT111, वो जो स्पीकर था वो कॉनिकल शेप में था, थोड़ा जो है उसकी 3 साइड थी, लेकिन ये जो है पूरा गोल है और थोड़ा जैसा जो है हैवी जो है वो उतना ही है वज़न है इसका थोड़ा सा। तो इसको यहाँ पे इसके बटन्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं प्लस माइनस, और ये वॉल्यूम के लिए है, और ये प्ले पॉज के लिए है, और ये मोड चेंज करने के लिए है, आप देख सकते हैं, और यहाँ से ऑन ऑफ दिया गया है। अब आप देखेंगे कि इसमें चार्जिंग कहाँ से करना है और बाकी का कार्ड वगैरह कहाँ इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे से ये ओपन होता है, जो रबड़ है दी गई, यहाँ से इसको ओपन करना है, और नीचे ही इसके जो है स्लॉट दिए गए हैं। यहाँ पे आप यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, नीचे जो है USB का ऑप्शन दिया गया है, और जो है एक ऑक्स का ऑप्शन भी इसमें जो है वो दिया गया है। इसमें जो ये ऑक्स का कनेक्शन दिया गया है, ये जो हमने GT111 की अनबॉक्सिंग की थी उसमें ये नहीं था। कई बार क्या होता है कि हमारे जो लैपटॉप होता है, PC होता है, उसमें जो है ब्लूटूथ नहीं होता है और डोंगल भी नहीं होता है हमारे पास, तो ये कनेक्ट जो दूसरा वाला स्पीकर था वो कनेक्ट नहीं होता था। लेकिन इसमें जो ये प्लस पॉइंट है, ये जो ऑक्स का कनेक्शन है वो दिया गया है। आप वायर से, ऑक्स वायर से जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसको चला सकते हैं विदाउट ब्लूटूथ, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं
हैं और यहाँ से इसको पावर का बटन जो है ऑन कर लेते हैं। तो ये ऑन हो चुका है दोस्तों। तो अब बारी है इसकी परफॉर्मेंस चेक करने की। तो आपको पहले मैं बता दूं, इसमें जो है 1200 mAh की बैटरी जो है वो दी गई है, जो कि 3 से 4 घंटे जो है प्लेबैक आपको टाइम देगी। तो अगर आपको ज़्यादा हैवी लेना है तो ज़्यादा हैवी जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि 1200 mAh की बैटरी जो है वो आपको 3-4 घंटे ही जो टाइम है वो प्रोवाइड करा सकती है। तो वो आप दूसरा स्पीकर आपको महंगा मिलेगा, लेकिन ये आपको बजट में मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर को जो है म्यूज़िक है वो नहीं सुन सकता है। तो चलिए इसे हम मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं प्ले करके कि इसकी साउंड जो है वो कैसी है। दोस्तों फ़ोन जो है मैंने लाया है और मैं इसमें जो है ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। तो फ़ोन का ब्लूटूथ मैंने ऑन कर लिया है, अब यहाँ पे स्कैनिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है TG113 जो है आ चुका है। मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर लूँगा। अभी फर्स्ट टाइम है तो पेयरिंग होगी, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन अगर आप एक बार कनेक्ट कर देंगे तो जस्ट जब सेकंड टाइम आप कनेक्ट करेंगे या उसके बाद करेंगे तो विद इन 1 सेकेंड ये कनेक्ट जो है ईजिली हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जो है पेयरिंग में थोड़ा सा जो है समय लगता है, तो जिससे जो है ये ब्लूटूथ का वर्जन भी जो है इसका 4.0 है, तो जिससे थोड़ा सा जो है वो अच्छा आपको जो है परफॉर्मेंस जो है ब्लूटूथ की मिलेगी थोड़ा। दोस्तों ये कनेक्ट जो है वो हो चुका है। तो अब मैं जो है म्यूज़िक जो है वो ओपन कर लेता हूँ और प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये मैं म्यूज़िक है यूट्यूब का म्यूज़िक ही प्ले करूँगा, नहीं तो कॉपीराइट का जो है वो ख़तरा हो सकता है। तो यहाँ से मैंने ये प्ले किया है। बेस तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, लेकिन बात यह है कि इसमें जो अगर कंपैरिजन करूं GT111 का, तो थोड़ा सा जो साउंड है वो कम है इसमें। उसमें जो साउंड है वो बेहतर है थोड़ी इससे, और साउंड भी जो है बड़ी है थोड़ी सी, जो बेस का लेवल है इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो दोबारा से प्ले करता हूँ जैसे। हाँ दोस्तों, तो ये स्पीकर जो है बढ़िया है प्ले करने के लिए, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम GT111 से करें तो थोड़ा सा ये पीछे है उससे, वो क्योंकि इसमें जो बेस है वो उससे थोड़ी सी कम है। मुझे ये फील हुआ, मैंने ये इसको प्ले किया जो म्यूज़िक है, तो इससे मुझे फील हो गया और पता चल गया क्योंकि इसमें जो बेस है वो कम है उससे। तो मैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें और इसमें क्या क्या फ़र्क है। इसमें एक प्लस पॉइंट है जो इसमें ऑक्स का कनेक्शन दिया गया है, उसमें प्लस पॉइंट है कि उसमें बेस अच्छा है बहुत ज़्यादा, इससे बेहतर है साउंड क्वालिटी उसकी। तो वीडियो दोस्तों देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।